टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए, टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई। सुनो अब खुश तो हो ना तुम, खुश हो जहाँ हो जिसके साथ हो, यही तो चाहते थे तुम। मुझसे दूर होना यही तो चाहती तुम्हारी, कितनी शिद्दत से मांगी थी तुमने मुझसे दूरियां, जैसे कोई किसी से भीख मांगता है प्यार की। ख्याल रखता है वो तुम्हारा, प्यार करता है वो तुम्हें, जाहिर है मुझसे भी ज्यादा करता होगा तभी खुश हो। कभी कभी होता है ना, आप किसी को कितना ही प्यार दो वो कम पड़ जाता है, कभी कभी बेइंतहा मोहब्बत भी अधूरी रह जाती है। नहीं सीरियसली बताओ ना, खुशी मिल रही है तुम्हें, सेटिस्फाई हो पा रही है तुम्हारी जरूरतें सारी? अगर वो सब कुछ मिल रहा है तुम्हें जो तुम चाहते थे उससे, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, तुम्हें वो मिला जो तुम डिजर्व करते थे और मुझे वो जो मैं डिजर्व करता हूँ। शायद आखिर में हमें वही तो मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं, चाहे खुशियाँ हो या दर्द, मिलन हो या जुदाई। पर कभी कभी एक बात समझ नहीं आती कि खुदा की अदालत में मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिला, क्यों गुनाह किसी और के थे और सजा किसी और को मिल रही है, क्यों लोग गलत करके भी खुश रह लेते हैं और कुछ लोग सही करके भी खुश नहीं रह पाते। न जाने ये क्यों होता है कि लोग मिलते हैं और मिलके बदल जाते हैं और बदल के बीच राह छोड़ जाते हैं सारी जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। न जाने लोग क्यों नहीं समझ पाते कि ब्रेकअप एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर होता है, जितना छोटा लव्स होता है उतनी गहरी चोट मार देता है दिल और दिमाग पर। वो लोग होते होंगे मजबूत जो निकल आते हैं इस सबसे बाहर, लेकिन कुछ ऐसे फंसते हैं कि बाहर निकलना भी एक सजा सी लगने लगती है। यादें किस्से ये जितने खूबसूरत हुआ करते थे उतने ही बदसूरत होते जाते हैं एक वक्त के बाद। पर कमाल की बात यह है कि पहले भी मेरे लिए खुशी तुम्हारी ही मैटर करती थी, आज भी तुम्हारी ही करती है, और क्योंकि तुम अब खुश हो गई तो मैं कौन होता हूं तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाला। बस फर्क इतना सा है कि जो मुस्कुराहट पहले खुश करती थी आज वो आंसू निकाल देती है। खैर क्या फायदा, इन आंसुओं से किसी को फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। सो यू बेटर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जस्ट इन केस सुन पा रहे हो मुझे तो आजादी मुबारक हो।